स्वागत है आपका खबर 100 में, जनता की बुलंद आवाज। मैं हूं जयंत नामदेव और आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में जिसका नाम है कुछ किस्से महात्मा गांधी के। 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन, हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जहां पर 2 अक्टूबर में बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम पूरे देश में मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाए जाते हैं। केवल कार्यक्रम ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऑन स्क्रीन यानी कि टीवी पर भी आपको कार्यक्रम देखने को मिलते हैं जहां पर उनकी कई बार जर्नी बताई जाती है, कई बार उनके कुछ उपलब्धियां बताई जाती है। लेकिन आज इस शो में मैं आपको कोई उपलब्धियां या जर्नी नहीं बताने वाला हूं, मैं उनसे रिलेटेड कुछ किस्से बताने वाला हूं, आपको कुछ किस्से सुनाने वाला हूं कुछ। तो वो किस्से क्यों सुनाने वाला हूं? क्योंकि उन किस्सों का मर्म एक ऐसी सोच है जो महात्मा गांधी की थी। वो छोटी छोटी सोच से बड़ा महात्मा गांधी कैसे उभरा, कैसे बने वो महात्मा गांधी, उनकी कुछ छोटे छोटे किस्से रहेंगे। तो आइए चलते हैं इस किस्सों के सफर पर और जानते हैं कुछ रोचक किस्से। ये किस्सा कुछ इतना रोचक है जहां पर पता चलता है हमें गांधी जी अपने देश से ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करते थे तो वो देश के लोगों से करते थे, उन्हें समझते थे, उन्हें जानते थे। बहुत पहले की बात है जब गांधी जी अपने चरखा संघ के लिए कुछ धन इकट्ठा करने के लिए पूरे भारत भ्रमण पे थे, तो वो भारत भ्रमण कर अलग अलग जगह जा रहे थे। जाते जाते वो उड़ीसा गए और उड़ीसा में वहाँ पर सेठ जमुना लाल जी उनके साथ में थे जो कि उस समय के बड़े उद्योगपति थे और वो धन जुटाने में उनकी मदद कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे। ऐसे में साइड से जब वो पूरे की पूरे जन समूह के अंदर थे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग सी महिला आई और वो महिला की आंखों में गांधी जी के लिए बहुत सारा आदर था। तो वो महिला आई और उन्होंने गांधी जी के चरण छुए, अपनी साड़ी के पल्लू की गठरी से खोला और एक तांबे का सिक्का गांधी जी के चरणों में रख दिया। गांधी जी ने वो सिक्का उठाया और उसे अपनी मुट्ठी में रख लिया। पीछे से जमुनालाल जी ने बोला उन्हें कि ये सिक्का मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल के रख देता हूँ। तो गांधी जी ने मना कर दिया, उन्होंने वापस बोला कि ये जो सिक्का है ये मुझे वापस चाहिए, तो उन्होंने वापस मना कर दिया। फिर जब तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे ये सिक्का दे दीजिए, मैं इसे संभाल के रख दूंगा, तब गांधी जी ने बोला कि ये सिक्का मैं आपको नहीं दे सकता, ये किसी भी धन कोष में नहीं जाएगा क्योंकि ये कोई धन नहीं है, ये धन से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है और ये है लोगों का प्रेम, ये लोगों का प्रेम है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है और मैं उसे इस किसी भी धन कोष में जाने नहीं दूंगा क्योंकि किसी भी धन, किसी भी वर्ग या कोई भी राजनीति से बढ़कर मेरे लिए लोगों का प्रेम है। और वो दर्शाता है कि किस तरह गांधी जी अपने लोगों से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, उनमें घुल मिल जाते थे, इस कारण एक बड़ा जनसमूह उनके हर आंदोलन में उनको सपोर्ट करता था, उनके साथ रहता था। और इस तरह हमें पता चलता है कि गांधी जी कितने उदार थे लोगों को लेकर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट आज हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा चल रही है, अभी मुद्दा भी गरमाया हुआ है राम मंदिर का, और वैसे ही 500 वर्ष पुराना एक संघर्ष था जो कि अब साकार होने जा रहा है। लेकिन इस राम नाम से गांधी जी भी बिल्कुल अछूते नहीं थे। बहुत पहले की बात है जब गांधी जी छोटे से थे, उन्हें मोहन कहा जाता था और वो अपने कमरे में थे, कमरे से दूसरे कमरे में जाना था, वहाँ पर रात बहुत थी और अंधेरा ही अंधेरा था। उस छोटे से मोहन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसे डर लग रहा था उस अंधेरे से, उस कमरे से बाहर निकलने में। अब इतना बड़ा लीडर और एक कमरे के बाहर निकलने से डर रहा है, बड़ी अजीब सी बात थी। तब कमरे के उस साइड उनकी नौकरानी रंभा खड़ी थी और वो नौकरानी मोहन को देख रही थी और मोहन डर रहा था। रंभा ने मोहन को पास बुलाया और उसके सर पर हाथ फेरा, वो बड़ी ही प्रेम से उसे बोला कि क्या आपको डर लग रहा है? मोहन ने कहा कि हाँ मुझे डर लगता है इस अंधेरे से। तो रंभा ने बड़ी ही शीतलता से उन्होंने एक बात कही और वो बात ये थी कि राम नाम ले लो, राम नाम ले लो और तुम्हारा सारा डर जो है वो दूर हो जाएगा। ये बात गांधी जी के मन में कुछ इस कदर बैठ गई कि हर वक्त हर जगह जब भी गांधी जी कहीं जाते थे, कोई आंदोलन करते थे, तो वहाँ राम नाम जरूर लेते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई, हत्या के समय में आखिरी शब्द भी उनके राम थे। भैया जिसके पास में राम नाम है उसका
कहां कुछ बिगड़ सकता है। और उसी राम नाम को लेकर गांधी जी ने इतने बड़े बड़े संघर्ष किए और उनके आत्मविश्वास का अगर कोई स्रोत रहा है तो वो राम नाम रहा है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारी श्रद्धा ही हमारी ताकत होती है, जो कि महात्मा गांधी की भी ताकत थी। अब आपको ले जाता हूं 1947 में। 1947 बहुत पुराना वक्त था जब हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़के हुए थे, और ये बात है कलकत्ता की। कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम के दंगे इतने जोर से भड़के हुए थे, जब हिंदू मुस्लिमों के पीछे दौड़ रहे थे और मुस्लिम हिंदू के पीछे दौड़ रहे थे और मार काट मची हुई थी, वहां पर गांधी जी आए। और गांधी जी के आने से कुछ दिनों तक तो शांति बनी रही, लेकिन वो शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। उसके बाद में गांधी जी इस चीज से गुस्सा होकर आमरण अनशन पर बैठ गए। वो अनशन 31 अगस्त को बैठे वो, और उस अनशन के बाद में बहुत सारे लोग जो थे वो उनके समीप आ गए, उनके पास आ गए बातचीत करने को। तो वहां पर जब वो आमरण अनशन पर बैठे थे, कुछ ना खाने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, वहां पर एक बुजुर्ग से बाबा उनके पास में आए और उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा लेकर गांधी जी को दिया और उन्हें कहा कि मैं तो मरने वाला हूं, लेकिन आपके मौत का कारण हम सब लोग नहीं बन सकते, आप कृपया खाना खा लीजिए। गांधी जी ने कहा कि तुम कौन हो और ये क्यों लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो मरने वाला हूँ और मैं मर के नरक में जाऊंगा। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा क्यों भला? तो वो रोते रोते बताता है कि जब ये हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़के थे तो मैंने एक मुस्लिम 8 साल के मुस्लिम बच्चे की हत्या कर दी थी, क्योंकि कुछ मुस्लिमों ने मेरे परिवार की हत्या कर दी थी। और ये रोते रोते वो बताता है, तो गांधी जी को बड़ी दया आती है उसके ऊपर। तो गांधी जी बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो। फिर भी वो रोते रोते बोलता है कि मैं तो अब नरक में जाऊंगा और मेरा जीवन अब ज्यादा बचा नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारा समाधान है। उसकी आंखों में उम्मीद आ गई और वो उम्मीदों से गांधी जी को देखने लगा और पूछता कि क्या है वो हल। तो गांधी जी ने कहा कि एक काम करो कि किसी भी 8 साल के बच्चे को जिसने अपना परिवार इस दंगे में खो दिया है उसे गोद ले, और बशर्ते वो मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि तुम एक हिंदू हो वो एक मुस्लिम होगा, तो ये मिलकर हमारा हिंदुस्तान बनेगा। और इस तरीके से जब उन्होंने हल दिया अपने लोगों को, तो उसकी आंखों में चमक आ गई, उसके आने वाला जीवन सवर गया और उसने एक मुस्लिम बच्चे को गोद ले लिया। कुछ इस तरह से समझते थे गांधी जी लोगों को, उनकी भावनाओं को, और कहाँ हिंदू और कहाँ मुस्लिम उनके लिए कोई भी अलग नहीं था, उनके लिए केवल एक चीज थी और वो था हिंदुस्तान और स्वतंत्र हिंदुस्तान। अब आपको ले चलते हैं साबरमती आश्रम में, महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, जहां पर अहिंसा बसती थी, जहां पर शांति बसती थी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े लोग वहां पर आते थे और रुकते थे, वहां पर चरखा चलाना सीखते थे और स्वदेशी चीजों को सीखते थे। तो वहां पर एक दिन एक संत आए जिनका नाम था सत्यदेव जी। वो संत काफी प्रतिष्ठित थे। वो आकर जब आश्रम में बैठे और गांधी जी से मिले तो वो बड़े खुश हुए। आसपास का माहौल देखकर भी वो बड़े खुश हुए। लेकिन गांधी जी ने उस वक्त उस संत को कह दिया कि सुनो, ये जो तुम्हारा भगवा चोगा है इसे निकाल के रख दो और बाकी सब ने जो पहना है वही पहन लो। वहां पर बाकी जितने भी सेवादार थे या जितने भी लोग थे वो खादी का वाइट कलर का यानी कि सफेद रंग का कपड़ा पहना करते थे। तो इस बात पे जो संत थे वो थोड़े से रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि कैसे तुम कह सकते हो कि किसी संत को कि आप भगवा निकाल के रख दीजिए और सफेद कपड़ा पहन लीजिए। इस बात पर वो रुष्ट हो गए। उन्होंने गांधी जी को थोड़ा सा आक्रोश में आके कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं भगवा कलर निकाल के रख दूं? तो गांधी जी ने बड़ी ही सरलता से उन्हें एक उत्तर दिया, और उत्तर में ये कहा कि आप अगर भगवा रंग में यहाँ पर बैठेंगे तो ये सभी लोग आपकी सेवा करेंगे, और अगर आप इनके जैसे कपड़े पहनेंगे तो आप भी इनके साथ सबकी सेवा कर पाएंगे। यहाँ पर हम सेवा लेने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए है। और यहाँ पर गांधी जी की सोच दर्शाते हैं कि किस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, ना कि लोगों की सेवा लेने में समर्पित किया। तो अब रुख करते हैं अंतिम किस्से की ओर। ये किस्सा मेरा सबसे पसंदीदा किस्सा है, क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि गांधी जी कितने अभय थे, कितने निडर थे, कितने जागरूक थे और किसी से भी डरते नहीं थे। एक लाठी के दम पर उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था हिंदुस्तान से। एक बार बहुत पहले जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में गांधी जी अपने शेख दोस्तों के साथ में
मिलने जाते हैं, शेख सहयोगी के साथ में मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे शेख होते हैं और सभी लोग बहुत ऊँचे होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, और गांधी जी वहाँ पर बेचारे दुबले पतले से रहते हैं। तो शेख उन्हें जज करते हैं, उन्हें देखते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है, बिल्कुल दुबला पतला सा है। गांधी जी को अंदाजा लग जाता है कि ये लोग मुझे जज कर रहे हैं। तो गांधी जी एक शेख के पास जाते हैं जिसके पास में बंदूक रखी होती है। उससे कहते हैं कि तुम कितने डरते हो? शेख कहता है कि मैं डरता हूँ, ये कैसे? तो गांधी जी ने कहा कि तुम डरते हो, इसका सबूत है कि तुम्हारे पास बंदूक है। तो आज तक किसी भी शेख के सामने इतनी निडरता से किसी भी व्यक्ति ने इस तरह का सवाल नहीं उठाया था, उनके करेज के ऊपर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन गांधी जी ने सवाल उठाया और इस पर शेख साहब चुपचाप रहे। शेख साहब को लग गया कि वाकई ये सत्य कह रहे हैं। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि मैं कभी बंदूक नहीं रखता क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। हालांकि वो बड़े बड़े आंदोलन चला रहे थे, पूरी अंग्रेज सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी बंदूक अपने पास नहीं रखी, और इसका ये सबूत है कि वो हमेशा निडर रहे हैं, वो किसी से भी नहीं डरे हैं, और जब उनका अंत समय था तब भी वो किसी से नहीं डरे और राम नाम लेकर परलोक सिधारे। तो ये कुछ किस्से थे जो कि महात्मा गांधी के थे, और ये किस्से उनकी कई सारी किताबों से लिए गए थे, और ये हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में हमें निडर होना चाहिए, लोगों से सेवा लेने के बजाय लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए, और लोगों को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, किसी भी भौतिक चीज़ों से प्रेम करने के अलावा लोगों से प्रेम करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो महात्मा गांधी हमें सिखाते हैं, और इसलिए वो पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं, वो हमारे बापू हैं, तो हम लोग इसी तरह सेलिब्रेट करते रहेंगे। कुछ रोचक किस्से थे महात्मा गांधी से जुड़े हुए, ये उनकी कई सारी किताबों से लिए गए थे किस्से, और ये सिखाते हैं हमें कि किस तरह हम निडर होकर जिए, लोगों के लिए जिए, उनसे सेवा लेने की बजाय उनके लिए सेवा करने की कोशिश करें, और लोगों की भावनाएं समझें, किसी भी भौतिक चीज़ों से प्रेम करने के अलावा हम प्रेम करें लोगों से, लोगों की भावनाओं से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो महात्मा गांधी हमें सिखाते हैं। वेल, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी तो हमें सिखाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उतारना ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं होता है, हमें उतारना चाहिए। और इसी तरह की प्रेरणा के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं हूँ जयंत नामदेव और आप देख रहे हैं खबर 100।